मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल इल्लियों की चपेट में है। इसमें सफेद मच्छर का भी प्रकोप देखा जा रहा है। इससे हरदा, सीहोर और देवास जिलों में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे परेशान किसानों ने खराब फसल लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कृषि विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों ने शिवराज सरकार से फसल नुकसान का बीमा क्लेम और मुआवजा दिलाने की मांग की है। आज ये स्थिति है सोयाबीन की कि एक फली नहीं बची, पूरा सोयाबीन नष्ट हो गया। किसान क्या करें, किसके पास जाए, कोई सुनने के लिए आज तक तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि किसान अपनी जेब का पैसा लगा के खेत को सफा करेगा। ये स्थिति आज की कंडीशन में पूरे देवास जिले में है। सोयाबीन की फसल पूरी मेहनत और पूरी लागत के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। मैं प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कहना चाहता हूं कि झूठ मूठ की राजनीति छोड़िए और धरातल पर आइए। आपसे निवेदन है कि इस फसल का उचित मुआवजा और उचित बीमा किसानों को दिलवाइए, अन्यथा किसान आपको अच्छे से समझ चुका है। आने वाले समय में आपको घर वापसी भेजने में किसान का अहम योगदान रहेगा। और सोयाबीन को लेकर जिस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं किसानों के, आपने देखे कितने परेशान हैं किसानों ने, आंदोलन भी किया है इसको लेकर। समझते हैं हमारे साथ सोयाबीन रिसर्च सेंटर ICAR के तहत आता है इंदौर से साइंटिस्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये किसानों की जो दिक्कत किसानों को पेश आ रही है, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, हम देख रहे हैं कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। यहां तक कि फसलों को हाथ में लेकर वो सड़क पर निकले हैं और इसको लेकर उन्होंने आंदोलन भी किया कि उनको इसका मुआवजा मिले, और शिवराज सरकार पर आरोप भी लगाया कि वो कई दफा शिकायत करने के बावजूद उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति में वर्तमान में हम हैं, तो उस समय हमारे पास में दो मुख्य, एक तो कीट और एक बीमारी, जो हमारे मुख्यतः खेतों के अंदर हम आराम से देख सकते हैं, जिसके कारण सोयाबीन में थोड़ा पीलापन भी हम देख पा रहे हैं। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, उन किसान भाइयों के पास में ये दिक्कत ज्यादा है, और जिन्होंने भी BS 9560 या कोई भी ससेप्टेबल वैरायटी लगाई है, तो उन किसान भाइयों की ये दिक्कत बहुत अधिक है। तो मेरा किसान भाइयों से अभी अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके फील्ड में कीट की तीव्रता अधिक है या फिर बीमारी की तीव्रता। इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान काम है, आप जो भी पौधे पीले पड़े हैं उन पौधों को चीर के देख लें, उसके अंदर अगर आपको कीड़ा दिखेगा तो ये कीट की वजह से है। अगर उसके अंदर कोई भी प्रकार का कीड़ा नहीं है पौधे के अंदर, जो तने के पौधे के तने में, तो आप पौधे की पत्तियां देखें, पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं, या फिर जो पत्तियों का तना है उसके अंदर भूरे रंग की लाइनें दिखती है, लंबी लंबी लाइनें, या तना पूरा काला हो गया है, या फिर जो पत्तियों के पीछे की जो सतह है वो पूरी की पूरी भूरी हो चुकी है, तो वो बीमारी की वजह से है। तो मैं किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति में है तो कीट के नियंत्रण के लिए हमारे पास में एक दवा है, लेमडा साइलोक्विन प्लस थाइमिपोक्सोन, जो आपको लगानी है 125 ml पर हेक्टर के हिसाब से। उससे, क्योंकि ये कीट तना मक्खी है, और ये तना मक्खी का जो मुख्यता होता है कि तने मक्खी ज्यादातर जो तने के अंदर टनल कर देती है, टनल मतलब तने के अंदर एक सुरंग बना देती है और वो वहीं खाती रहती है। तो इसके बाद में वो तने से बाहर निकल जाती है एडल्ट बन के, मतलब बाहर एक छोटी सी मक्खी के रूप में। तो आपको एक एग्जिट होल भी दिखेगा, जस्ट जहाँ पे वो निकलेगी वहाँ पे उसके निकासी का एक छोटा सा होल भी दिखेगा तनों पे, इससे भी आप आराम से इसको पहचान सकते हैं जी। तो तना मक्खी के नियंत्रण के लिए हमारे पास में जो दवाई है वो है लेमडा साइलोक्विन प्लस थाइमिपोक्सोन 125 ml पर हेक्टर के हिसाब से,
और 500 ml लीटर पानी के हिसाब से पर हेक्टर में अगर आप इसको छिड़काव करते हैं और अगर प्रकोप अधिक होता है तो एक और बार छिड़काव करना पड़ेगा 15 दिन के बाद में। और अगर तना मक्खी नहीं है और बीमारी है तो ये बीमारी है एंथ्रेक्नोस, और एंथ्रेक्नोस बीमारी के लिए हमारे पास में कई केमिकल है, जैसे टेबुपेनाजोल है जिसको 625 मिलीमीटर पर हेक्टर पे लगा सकते हैं, या टेबुपेनाजोल प्लस सल्फर है जिसको 1 किलो पर हेक्टर पे लगा सकते हैं, या पायरोक्लोस्ट्रोबिन है जिसको 500 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से लगा सकते हैं, या हेक्सागेनाजोल जिसको 800 एमएल पर हेक्टर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक रसायन का उपयोग आप बीमारी के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, जिससे कि जो आगे बीमारी फैलेगी नहीं, और अगर आपको लगता है कि 10-15 दिन के बाद में बीमारी थोड़ी और फैल रही है तो एक बार इन्हीं में से भी किसी एक पसंद राशि का एक बार और स्प्रे कर दें, जिससे कि आपकी ये बीमारी नहीं होगी। अब जब ये बीमारी आ ही चुकी है तो अगले वर्ष से मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष से कृपया बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार ही सबसे उचित साधन होता है इन बीमारी और कीड़ों के लिए। तो हमारे पास में बीज उपचार के लिए थाइमेथोक्सोन एक केमिकल है जो आपको 10 ml थाइमेथोक्सोन 30 FS जो आपको 10 ml पर केजी सीड के हिसाब से लेना है। उसके अलावा हमारे पास में कुछ फंगिसाइड्स भी हैं जो बीमारियों को उपचार के लिए होंगे, जैसे कार्बोक्सिन प्लस थायरम और मिथाइल प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो 2 ml पर केजी सीड के हिसाब से अगर आप लगाएंगे, इनमें से दोनों में से किसी एक ही फंगिसाइड का और एक इंसेक्टिसाइड का अगर आप बीज उपचार करते हैं तो यह है प्रारंभ के अंदर ही दोनों कीट और बीमारी का आप अच्छे से नियंत्रण कर पाते हैं जी। क्योंकि इस वर्ष लगभग पानी नहीं गिरा 20-25 दिन के थोड़ा सूखा पड़ने की वजह से, और जो कीड़े थे जैसे तना मक्खी थी तो उसने थोड़ी ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए टनलिंग कर दी और उनकी जनसंख्या भी ज्यादा बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि जो किसान भाई सुन रहे होंगे उन्हें इसे सुनकर कुछ राहत, कुछ आश्वासन और कुछ जो सुझाव हैं वो काम के लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।